देख सकते हो एक अच्छा खासा वॉल्यूम हमें मिल गया। तो यार सबसे पहले तो मेरे हेयर को इग्नोर मारो और आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास हेयर वैक्स, ये वाला दूसरा, ये वाला वैक्स, ये वाला एक, ये वाला हेयर क्रीम, ये वाला क्रीम, हेयर क्रीम, ये हो गया अपना हेयर सीरम, ये हो गया अपना हेयर स्प्रे, और एक सेकेंड, ये हो गया हेयर ड्रायर, और ये हो गया हेयर कॉम्ब्स। गाइज ये सब कुछ मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज यार आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते, जो भाई लोग मेरे स्कूल में और मतलब कुछ लोग अभी कॉलेज में इंटर करेंगे, बट यार गाइज उन लोग के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह सब खरीदी कर सके, बट यार उन लोग को स्टाइल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज डोंट वरी, आपका भाई आज कुछ ऐसे थोड़ी सी मतलब ट्रिक बताऊंगा जिससे गाइज आप अपने हेयर में विदाउट सब कुछ यूज़ किए आप अपने हेयर में होल्ड ला सकते हो, ताकि गाइज आप लोग और ज़्यादा स्टाइलिश दिख सके। तो यार गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। अब यार हेडफोन्स लगा लो और शांति से पूरा वीडियो देखना। अब यार स्टेप नंबर वन, हमें अपने बालों को थोड़ा सा वेट करना होगा। तो यार मैं आया वेट करके। अब यार मैंने अपने हेयर को वेट कर लिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत चंपू टाइप हो गया मुझे पता है। अब यार हमें लेना होगा हेयर ड्रायर, मतलब हमारा गरीबों वाला हेयर ड्रायर, ठीक है। तो ये कुछ गाइज नैपकिन है, आप लोगों को बस अपने हेयर को रब करना है, ठीक है। तो अभी हम ड्राई करेंगे, आप लोगों को बस गाइस जेंटल नॉर्मल पोंछना है, ज्यादा रब नहीं करना। बिल्कुल भी होल्ड नहीं है, ठीक है। तो गाइस यार मैंने अभी हेयर अपने ड्राई कर ली किन से। गाइस आप लोगों को ऐसे कुछ चीज लेनी पड़ेगी जैसे कि मतलब जो हमारे हेयर में होल्ड दे सके, जैसे कि कोई भी रबर बैंड हो सकता है, या फिर जो बैंड्स आते हैं ब्लैक कलर के, अभी यार वो मुझे मिल नहीं रहा है इसके लिए, या फिर गाइज आप लोगों ने इसके ये तो देखा होगा, एक सेकेंड, आप लोगों ने गाइज ऐसा वाला बैंड्स तो देखा होगा अक्सर गाइज हेयर में यूज़ करते हैं और विंटर्स में इसका यूज़ होता है। तो गाइज आप लोग के पास ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, या फिर आप लोग ऐसा घर पर भी बना सकते हो, अपना जो नैपकिन होता है गाइज या फिर जो हैंकरचिप होता है उसको भी गाइज आप लोग ऐसा बना सकते हो। अब यार ध्यान से सुनो, स्टेप नंबर टू में हमें जिस डायरेक्शन में अपना हेयर स्टाइल करवाना है, मतलब समझ लो मुझे इस डायरेक्शन में करवाना है, तो गाइज मुझे ये साइड मतलब अपोजिट साइड हमें उसको मतलब होल्ड करके रखना है। अब गाइज ऐसा क्यों, बिकॉज गाइज तभी ज़्यादा होल्ड आता है, ठीक है। अगर आप अपने हेयर अगर आप ऐसी हेयर स्टाइल रखते हो और अगर आप लोग ऐसा रखोगे तो यार वो ऑटोमेटिकली थोड़ा टर्न हो जाएगा, तो ये इसके पीछे का रीज़न है। अभी देखो यार मुझे ये साइड करना है तो मैं साइड होल्ड करके रखूंगा, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब गाइज मैं ये साइड, मुझे ये साइड रखना है तो मैं ये साइड करके होल्ड करूंगा। गाइज अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना तो आप लोगों को थोड़ा सा तो अभी आप लोगों को मतलब हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो देखो अगर आप लोगों के पास कुछ नहीं होगा ना तो आप लोग बस प्रॉपरली अपने हेयर को होल्ड करके रखो। तो आप लोगों को बस ऐसा होल्ड करके रखना है अपने हेयर्स को। अगर ऐसा आप लोग कर सकते हो 5 to 10 minutes के लिए, या फिर बेस्ट ऑप्शन होगा अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लगा के। आप लोग गाइस यहाँ पे देख सकते हो और जितने भी हेयर्स गाइस ये साइड पे टर्न हो रहे हैं ना, आप लोगों को ऐसा राउंड राउंड करना है उसको और ये साइड पे उनको मूव करना है। गाइस ये टेक्निक भी बहुत लोग यूज करते हैं और मैं भी यूज करता हूँ, बट यार बताता कोई नहीं। जैसे भी अगर आपके हेयर्स ये साइड है ना तो अपने नॉर्मल हेयर्स को देखो गाइस, जैसे मैं कर रहा हूँ राउंड राउंड करना है और ये साइड मूव करना है। तो गाइज आप लोगों को इसको ऐसे ही रखना है बस 10 to 15 minutes के लिए, उसके बाद गाइज मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। अब गाइज यार इसको मैंने 11-12 minutes तक रखा, ठीक है। अब यार ये आई थिंक सो हो गया होगा, तो यार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइज इसको निकलते टाइम पीछे के साइड से निकालना है, वो भी आराम से गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं निकल रहा हूँ बहुत ही आराम से निकलना है। ओके तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब यार आप लोगों का काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, अब जो मेन चीज़ है वो है आप लोगों को फिर से अपने हेयर्स वो ये साइड पे लेने, जिस साइड पे आपको हेयर स्टाइल बनाना है। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ सेम आप लोगों को वैसे ही करना है। गाइज अब मैंने सारे हेयर्स अपने ये साइड पे ले लिए फिर से और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो।
गाइज, ये फिर भी होल्ड तो आ गया है बट फिर भी स्टेबल नहीं। मैं आप लोगों को अभी स्टेबल करने के लिए जो लास्ट स्टेप है वो बताता हूँ, ठीक है? आप लोगों को टाइट होल्ड करके रखना है बस एक दो मिनट के लिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। गाइज, अब जो सबसे लास्ट वाला स्टेप है वो है अपने दोनों हाथों को लेना। गाइज, आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा होल्ड मिल गया, फिर भी गाइज अभी बहुत सारा मतलब एक दो स्टेप बाकी है। अब देखो, ये जो मेरे हैंड से कुछ भी नहीं इसमें, अगर इसमें हमें करना है नॉर्मली दोनों को रब करना है जितना हो सके उतना, हीट देना है थोड़ा सा बालों को। बस गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अब जो लास्ट वाला फाइनल जो लास्ट वाला स्टेप है उसको गाइज उसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा ऑयल लगेगा, उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर, मतलब एक वाला रेशो होगा, मतलब जैसे कि अगर हम दो बूंद ऑयल के डाल दें तो दो बूंद हमें वाटर के लगेंगे। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पतंजलि वाला है नारियल तेल, तो आप लोग कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। तो देखो, मैं यहाँ पे दो ही बूंद यूज करूँगा, हाँ दो तीन बूंद गिर गए, ठीक है। और उसके साथ साथ गाइज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा वाटर, ठीक है। अगर मैंने वाटर और इसको दोनों को ऐड कर लिया अपने हैंड में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये देखो। तो गाइज, अब दोनों को रब करना है और फिर से वैसे ही करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये जो हेयर है ना गाइज, आप उनको उनको सर राउंड राउंड करना है। गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छा खासा वॉल्यूम हमें मिल गया है विदाउट कुछ भी यूज किए। गाइज यार, लिटरली मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें वर्क करती है। तो यार, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और ये अच्छा खासा होल्ड मिल तो गया हमें। अब यार, अगर हम ऐसे थोड़ी देर मतलब विदाउट फैन के नीचे अगर हम इसको सूखने देते हैं और ज्यादा स्ट्रांग होल्ड आएगा इसमें। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो। तो आई होप गाइज आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो यार प्लीज भाई के लिए लाइक कर देना जितना हो सके गाइज, इस वीडियो को शेयर कर दो, और यार अगर सब्सक्राइब करके जो बेल बटन है वो प्रेस नहीं किया अभी तक तो क्या कर रहे हो गाइज यार, वो प्रेस कर दो। और अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइज, जाओ मुझे वहां पे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। तो यार गाइज, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।